जया बच्चन का विवादित बयान, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और अब ये बयान कहीं ना कहीं जया बच्चन को अब नागवार गुजरेगी। जी हाँ, जिस चीज का डर था आखिरकार वही अब हो गया है। जी हाँ, सुबह से ही खबरें आ रही थी कि ड्रग्स एंगल में अभिनेत्रियों का नाम है, बड़े बड़े अभिनेत्रियों का नाम है, और डी नाम को डिकेट किया जा रहा था, के नाम को डिकेट किया जा रहा था, तो अब फाइनली उस चीज़ का खुलासा हो चुका है। जी हाँ, के मतलब कयास लगाए जा रहे थे कि कोई करिश्मा होगी और फाइनली करिश्मा ही निकली। जी हाँ, करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण की बिजनेस मैनेजर, जी हाँ, दीपिका पादुकोण के बिजनेस मैनेजर को फाइनली एनसीबी ने भेज दिया है सम्मन, और अब होगी उनसे कड़ी पूछताछ। जी हाँ, डी और के का जो चैट वायरल हुआ था, जो चैट वायरल हुई है उसमें कहीं ना कहीं के यानी करिश्मा प्रकाश को डिकोड कर लिया गया है। अब देखना है कि इस इंडस्ट्री में और कितने सारे भूकंप होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो अब दीपिका पादुकोण क्या इसी वजह से वो 5 दिन पहले ही बॉम्बे छोड़ के गई थी? क्या उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं अब मैं भी इस चक्रव्यूह में फंसने वाली हूँ, जो ड्रग्स का, जब से एनसीबी की टीम तो ताबड़तोड़ जो इंक्वायरियाँ कर रही है, पूछताछ कर रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने पता था कि अब मैं इस केस में फंसने वाली हूँ। फाइनली अब जो बिजनेस मैनेजर है उनसे कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि एक रूल होता है, एक प्रोसीजर होता है, अब पहले बिजनेस मैनेजर को पूछा जाएगा, उसके बाद फिर स्टार के पास पहुंचा जाएगा। क्योंकि जो 2019 में यानी पिछले साल करण जौहर की जो पार्टी थी उसमें साफ साफ दीपिका पादुकोण भी उस पार्टी में दिख रही थी, और कल से ही, आज से ये सुबह सुबह ही खबर आ रही थी कि उस पार्टी में के कैरेक्टर का जो नाम है और डी भी है। डी का डिकोड अभी नहीं किया गया है, लेकिन के का डिकोड कर लिया गया है। के मतलब करिश्मा शाह, और करिश्मा शाह को एनसीबी की नोटिस दे दी गई। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी आ रही है कि जो अब जो एनसीबी की टीम है वो कहीं ना कहीं छोटी पड़ रही है। जी हाँ, छोटी इसलिए पड़ रही है क्योंकि इतने सारे नाम है, इतने सारे खुलासे हो रहे हैं कि तो कहीं ना कहीं एनसीबी की जो जांच टीम है इस पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो चुका है। और अब दिल्ली से, जी हाँ, एक बार फिर से दिल्ली इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली से अब कुछ और एनसीबी की टीम जो ड्रग्स के मामले को और गहराई से छानबीन करेगी, और कड़ी पूछताछ करेगी, टीम अपनी बड़ी करेगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो सफ़ेद पोशाक वाले जो चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं अब फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारे लोग तो फंस ही रहे हैं। अब देखना है कि इस चीज़ पर क्या होता है, एनसीबी की जाँच की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या कहना है दीपिका पादुकोण के बिजनेस मैनेजर को एनसीबी के उस सम्मन को लेकर। क्या लगता है कि आपको दीपिका पादुकोण भी इस एनसीबी की प्रक्रिया में आ जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब अभी हमें भी नहीं पता है। आपको क्या लगता है इस वीडियो में अपने कमेंट राय ज़रूर हमें दें।